स्वर्गीय लांस नायक नजीर अहमद वानी सेना मेडल 16 जनवरी 2004 को 162वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना में भर्ती हुए थे। वे एक बहादुर एवं अलंकृत सैनिक रहे। उन्होंने दक्षिण कश्मीर में कई ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक पूरा करने में अपना अहम योगदान दिया। उनकी असाधारण शूरवीरता तथा कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें 2 बार सेना मेडल से नवाजा गया था। 25 नवंबर 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के गांव में सशस्त्र 6 आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर लांस नायक नजीर अहमद वानी ने अपनी टीम के साथ लक्षित मकान की ओर पहुंचकर स्वयं मोर्चा थाम लिया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड से घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। बड़ी निडरता से उन्होंने अत्यंत निकट की गोलीबारी में एक कट्टर आतंकवादी का सफाया कर दिया और अनुकरणीय कौशल से उस कमरे में ग्रेनेड दाग दिया जहां पर दूसरा आतंकवादी छिपा हुआ था। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने भागते विदेशी आतंकवादी को आमने सामने के मुकाबले में मार गिराया। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए उग्रता तथा साहस के साथ उन्होंने मुकाबला जारी रखा और दूसरे आतंकवादी को भी घायल कर दिया, परंतु आतंकवादी ने उन्हें पुनः घायल कर दिया और वे अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। इस तरह से लांस नायक नजीर अहमद वानी ने कट्टर आतंकवादियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय वीरता का प्रदर्शन किया तथा राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक नजीर अहमद वानी की पत्नी श्रीमती महजबीन, साथ में है उनकी माताजी श्रीमती राजा वानी। भारत माँ की आन पर चढ़े हजारों शीश, नमन करे उनको सदा मिले अमिट आशीष। अद्वितीय बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारत माँ के सपूतों में जन्मा चमकता सितारा हमेशा खुद के कर्मों की खुशबू से पूरे देश को महकाने वाला यह रत्न लांस नायक नजीर अहमद वानी बार्ट सेना मेडल। नजीर सन 2004 में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक प्रादेशिक सेना बटालियन 162 इन्फेंट्री बटालियन में शामिल हो गए। उन्होंने हमेशा चुनौतीपूर्ण मिशनों के लिए स्वेच्छा से प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत साहस का प्रदर्शन किया। कर्तव्य की चोटी पर कई अवसर मिले जहां खुद को गंभीर खतरे में डाल दिया। इसी वीरता के लिए सन 2007 में और दूसरी बार सन 2018 में उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई प्रमुख आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया जिसमें कुछ प्रमुख आतंकवादियों सहित लगभग 30 आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया। 25 नवंबर 2018 को
एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन जो कि बटागुंड ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है, वह 34 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा शुरू किया गया था। शोपिया जिले के हिपोरा के पास बटागुंड गांव के इलाके में लश्करे तैयबा के वरिष्ठ आतंकवादियों की मौजूदगी से संबंधित विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद आधी रात को जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सेना की टुकड़ियों सहित सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम द्वारा एक घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया गया। आतंकवादियों द्वारा तुरंत फायरिंग शुरू हो गई। 12:25 बजे एक सैनिक मारा गया। वह सैनिक एक घर के गैरेज के पास गिर गया। अपने साथी सैनिकों द्वारा अक्रोड के पेड़ों के पीछे छिपाई गई आग के कवर के तहत वाणी ने घायल सैनिक को सुरक्षा के लिए खींचने का प्रयास किया। इस दौरान हाथापाई में वाणी को उनके शरीर और सिर पर कई घाव लगे। एक खूंखार आतंकवादी को उन्होंने सफलतापूर्वक मार गिराया। अपनी चोट की उपेक्षा करते हुए उन्होंने शेष आतंकवादियों को उसी गति और दुस्साहस के साथ मार गिराया। एक और आतंकवादी को घायल करते समय और मारते समय वाणी को वीर गति प्राप्त हो गई। असीम शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक नजीर अहमद वाणी बार्ट सेना मेडल को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय संस्कृति में मातृभूमि की रक्षा धर्म का एक अंग रहा है और हजारों सालों से अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और यही संस्कृति आज भी हमारे देश में भारतीय सेना के जवानों में शौर्य और बलिदान के रूप में मौजूद है। इस राष्ट्र का इतिहास गवाह है कि जब जब देश की सुरक्षितता का सवाल आया, तब तब हमारे देश के वीर जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया और शत्रुओं ने भी उनके बलिदान के सामने सिर झुका लिया। अपनी फौलाद से हिम्मत को न सोने देना, किसी को नफरत के बीज न बोने देना। तुम्हारे जिस्म के टुकड़े भी अगर हो जाए, कभी इस देश के टुकड़े न होने देना, कभी इस देश के टुकड़े न होने देना। इज्जते हुब्बे वतन, वतन सलाम करे, चूम ले चमन, चमन सलाम करे। जान देते हैं जो इज्जते वतन के लिए, वो शहीद है जिन्हें कफन सलाम करे, वो शहीद है जिन्हें कफन सलाम करे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। भारत माँ का हर सैनिक 10 शेरों के समान है। दुश्मन देखे दूर से ही हम सरहद पर तैयार हैं। जमीन पर हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, पानी में हमारा कोई दुश्मन तैर नहीं सकता। गगन शक्ति इस काबिल है हमारी कि हिंदुस्तान के आसमान की ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। मेरा देश न परछाई है न माया जाल, मेरा देश एक जीवित वास्तविकता है, एक हसीन हकीकत है। भारत का हर सैनिक और हर व्यक्ति उससे प्यार करता है। मेरे लिए इस धरती को छोड़कर न कोई दूसरी दुनिया है और ना ही स्वर्ग है। हमारे राष्ट्र के हर व्यक्ति के रक्त में एक राष्ट्रभक्ति का बीज है। आजादी के यज्ञ में प्राण किए आहूत, धन्य हुई वह कोक जो जन्मे शहीद सपूत। एक भारतीय सैनिक इसीलिए नहीं लड़ता
कि वो सामने वाले से नफरत करता है, बल्कि इसलिए लड़ता है क्योंकि वो अपनी भारत माता से प्यार करता है। देश की महक अब मेरे वर्दी से आने लगी है, अब मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। वो कहते हैं ना कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता है जिस मुल्क की सरहद पर सच्चा सैनिक तैनात है, और यही हमारे देश की आन बान और शान है। लाख पर्दों से करो तुम वार हम पर, हम तुम्हारे रूप को पहचानते हैं। अरे आग है हम, मत करो खिलवाड़ हमसे, हम जलाने का हुनर भी जानते हैं। हर बार नींद उड़ जाती है यह सोचकर कि सरहद पर बहाया हुआ खून हमारी नींद के लिए था। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान भी कुर्बान है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। सरहद पर खड़े रखवालों को, इस देश के पहरेदारों को दिल से मेरा सलाम है। ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है, जो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान वो खोता है। उनकी वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं, सिपाही खड़ा है हिम शिखर पर, ये मत समझना कि वो अकेला है। करोड़ों हैं हम सभी उसी के पीछे, हमी ने उसी के प्रबल प्राण सींचे। जान पर खेलकर बचाया है तुमने वतन, कतरे कतरे से तुमने सींचा है ये चमन। कर दिया पल में ही दुश्मनों का दमन, आज करते हैं हम देशभक्ति को नमन। मर कर भी न मिटेगी मेरे वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार का कर्म हो, हे ईश भारत वर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, शतबार मेरा जन्म हो, शतबार मेरा जन्म हो। जय हिंद।